जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निम्न दाब, बी घनत्व, सी निम्न श्यानता, डी निम्न तापमान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्न घनत्व के कारण जो है बादल हमारा वायुमंडल में तैरता है और तैरता हुआ दिखाई देता है। किसके कारण? तो घनत्व, निम्न घनत्व के कारण। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा दूसरा है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उबलता हुआ पानी, बी गर्म पानी, सी भाप, डी पिघली हुई प्लावी बर्फ। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाप से जलने से अधिक जलन होता है। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। भाप से अधिक जलन पैदा होती है क्योंकि भाप से जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसमें छिपी होती है, और गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, उसे जो है गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसके कारण जो है भाप से अधिक जलन होता है, जलने के कारण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अभिवहन, बी संवहन, या फिर चालन, या फिर विकिरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। यहाँ पे हमारा भाप रहेगा, अधिक कष्टदायक होता है, किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी वाला, भाप में गुप्त ताप छिपा होता है, इसलिए हमें जो है भाप से अधिक जलन होता है। तो ये तो हमने आपको बताया, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब और उच्च ताप पर जो है एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, निम्न में से किसमें संवहन होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया है केवल ठोसों और द्रवों में, बी केवल द्रवों और गैसों में, सी केवल गैसों और ठोसों में, डी ठोसों द्रवों तथा गैसों में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, केवल द्रवों और गैसों में जो है इसमें संवहन होता है। संवहन क्या होता है? किसी तरल पदार्थ और गैस में स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को संवहन कहते हैं, जो कि केवल द्रव और गैसों में होता है, ठोसों में यह नहीं होता है। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, निम्नलिखित द्रव में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, बी जल, सी एल्कोहल, डी पेट्रोल। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल का जो एल्कोहल द्रव है उसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। और इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो ये किस कारण से हमारा जो है जल्दी से जो है वाष्पित हो जाता है? तो जिस द्रव का वाष्प जो है हमारा क्वथनांक कम होता है वो जल्दी ही वाष्पित हो जाता है, और एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है 79 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, और पेट्रोल का 95 डिग्री सेल्सियस, और जल का 100 डिग्री सेल्सियस, और मिट्टी के तेल का क्वथनांक जो है 150 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है, और एल्कोहल का सबसे कम होता है, यानी कम ताप पर ये खौलने लगता है, इसीलिए जो है इसका वाष्पन जल्दी से होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बहुत उच्चतम तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ताप वैद्युत उत्ताप मापी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके द्वारा जो है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 9, पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत है, इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी,
गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार जो है इस सिद्धांत पर जो पारा थर्मामीटर कार्य करता है। और पारा थर्मामीटर की खोज जो है 1714 ईस्वी में डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट के द्वारा किया गया था, जिसे हम ताप को मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एल्कोहल थर्मामीटर, बी पारा थर्मामीटर, सी अधिकतम पठन थर्मामीटर, डी न्यूनतम पठन थर्मामीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला एल्कोहल थर्मामीटर। यह न्यूनतम ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग न्यूनतम ताप मापने के लिए किया जाता है। एल्कोहल का हिमांक बहुत कम होता है, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसका क्वथनांक 79 डिग्री होता है और इसका क्वथनांक -112 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, इनमें से किसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राकेट प्रौद्योगिकी में, बी नौसेना जहाज़ों को चलाने के लिए, सी फ्रास्ट की रेफ्रिजरेटर में, डी सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक तकनीकी का उपयोग तीव्र गति से ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है और राकेट प्रौद्योगिकी में मुख्यतः इस इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द्रव घनत्व मापी, बी आर्द्रता मापी, सी मनोमान मापी, डी पवन वेग मापी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला आर्द्रता मापी के द्वारा आर्द्रता मापते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा जो है धातु की भट्टियों के अंदर जो है तापमान मापने के लिए सबसे उचित है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है 14, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला तापमान पर। तारों का रंग जो है तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन है और वह पीले रंग का दिखाई देता है। जिन तारों का ताप अधिक होता है वे तीव्र चमकते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15, गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉन ल्यूमिनस जोन जो है इसे कहा जाता है। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 16 है, शीतकालीन में एक मोटी कमीज के अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दिया है दो पतली कमीजें अधिक मोटी हो जाती हैं अतः ऊष्मा के संचरण को रोकती हैं। ऑप्शन बी है दो कमीजों के बीच वायु की परत सुचालक के रूप में काम करती है। सी ऑप्शन दिया है दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करती है। डी ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 16 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला दो कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी माध्यम के रूप में काम करता है। इसलिए जो है मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रखती हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विशिष्ट ऊष्मा, बी गुप्त ऊष्मा, सी निरपेक्ष ऊष्मा, डी आपेक्षिक ऊष्मा। तो प्रश्न नंबर 17 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा होता है। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए काला और खुरदुरा। काला और खुरदुरा पिंड जो है ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। प्रश्न नंबर 19 है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है, इसके कारण तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 20 है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, किस कारण से लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए जो है चायदानियों में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के हैंडल का प्रयोग किया जाता है।
प्रश्न नंबर 21 से बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए जो है बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, या फिर से पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो प्रश्न नंबर 22 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, ताप उत्क्रमण होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक ह्रास दर पर जो है ताप उत्क्रमण होता है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है, तो इनमें से क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपवर्तन कहलाती है, या फिर विवर्तन, या फिर संचरण, या फिर इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को अपवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण जो है यह घटना निर्णय करता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रश्न नंबर 26 है, दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करता है। प्रश्न नंबर 28 से, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा रंग जो है सही हो जाएगा? ऑप्शन ए श्वेत है, बी लाल, सी बैगनी, डी हरा। तो प्रश्न नंबर जो हमारा 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, बैगनी रंग जो है प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश का बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन करता है, और सबसे कम कौन सा करता है? तो सबसे कम जो है लाल रंग करता है, तो इसका जो है इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 29 है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्शासन काल किस पर निर्भर करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ की चमक पर जो है निर्भर करता है। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी बैगनी, डी नीला। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग जो है जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो लाल रंग कम उठा हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ये हो जाएगा। तो आज का हमारा जो प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।